Hello students, how are you? Fine. Okay. Today we will continue our 8th chapter part 2. First वाले में हमने जो है lesson explanation था, ठीक है? राजा का हिस्सा वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है? उसमें आप लोगों ने जो है वो फिल का ब्लैंक्स और ये सब आपको भिजवाए थे मैंने पहले. उसके साथ में एक दो जो है एक्सरसाइज उसकी थोड़ी सी अलग है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? दो लाइन के क्वेश्चन और थोड़े से अपने मन से ही लिखने वाले हैं इसमें. जैसे किसान खेती के लिए कौन कौन से साधनों का उपयोग करता है वो आपको बुक में नहीं है, है ना? तो उसको उस हिसाब से, और किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करता है, तो ये जो दो क्वेश्चन उसमें अलग है. बाकी जो है आपको राजा भोज के बारे में आपको 5-6 वाक्य लिखना है कि वो किस प्रकार से, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो उसको उसका जो है पूरा ये लिखना पड़ता है कि वो कहाँ के राजा थे, है ना? कहाँ का रहने वाला वो व्यक्ति है, ना क्या करता है, ये सब हमको किसी के बारे में भी अगर इंट्रोडक्शन देना होता है तो इसी तरह से देते हैं. तो इसमें आपको सब बताना है उसका नेचर, उनका नेचर स्वभाव कैसा था, कि वो बड़े उदार और दानी थे, है ना? फिर प्रजा की प्रजावत्सल थे, एक ही शब्द में लिखना है तो प्रजा के, प्रजावत्सल मतलब प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे, है ना? और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, ठीक है? तो वेश बदल बदल कर वो अपने प्रजा का जो है हाल देखने जाते थे, वो किस तरह से उनको क्या कष्ट है, अगर किसी को कष्ट है तो उसकी मदद करते थे. ये सब उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है? और धारणी के राजा थे, सबसे पहला सेंटेंस वही आएगा, ठीक है? दो तीन है थोड़े से क्वेश्चन इस टाइप के. फिर उसके बाद है मुहावरे. मुहावरे का जो आपके पार्ट में है वो है थोड़े से अलग. मुहावरे इस चैप्टर में है, बड़ी क्लास में तो आते ही है, लेकिन अभी से आप लोगों को थोड़े थोड़े शुरू हुए हैं तो इसमें जैसे पता लगाना, ये तो आपके साधारण है जो इसके अंदर है कि मालूम होना, फिर आश्चर्य का ठिकाना अचरज होना, आंख खुलना मतलब जाग जाना या सच्चाई का पता चलना, दो होते हैं उसके अर्थ आंख खुलना मतलब, ठीक है? फिर आंख चुराना, शरीर के अंगों से कनेक्टेड भी जो है मुहावरे हैं वो इसमें समझाना है मुझे. जैसे आंख है ना, तो आंख खुलना इसके दो मीनिंग है. जाग जाना है ना, सुबह उठती जब हमारी आंख खुल जाती है तो हम उठ जाते हैं. उसके बाद दूसरा होता है सच्चाई का पता चलना. तो सच्चाई का पता चलता है जब हमारी आंखें खुलती हैं, है ना? तब हमको सच्चाई का ज्ञान होता है कि जो हो रहा था वो गलत हो रहा था, ठीक है? आंख चुराना, तो कोई काम करने से बचना, ठीक है? और आंखों का दाना होना, बहुत प्यारा होना, पर सेंटेंस सीधा बना देना आपको, ठीक है? फिर कान, कान से है कान भरना, है ना? चुगली करना, है ना? दांत से बनेगा, दांत से कौन सा मुहावरा बनेगा? दांत खट्टे करना, है ना? हरा देना, ठीक है? फिर गला, गला भर जाना, है ना? बहुत गदगद होना, दुखी होना, दुख के कारण भी गला भर जाता है कभी कभी, है ना? थोड़े सैड होते हैं कभी, या फिर थोड़े इमोशनल होते हैं कभी गला भर जाता है, बराबर है ना? इसलिए हाथ, हाथ बटाना, है ना? हाथ मिलाना, है ना? दोस्ती करना या हाथ में हाथ बटाना मतलब दूसरों की मदद, काम में मदद करना, है ना? फिर है घुटना, घुटने टेकना, हार मान लेना, है ना? माथा, माथा टेकना, भगवान के सामने हम माथा टेकते हैं, है ना? वो आएगा. फिर बाल, बाल भी बांका ना होना मतलब जरा भी नुकसान ना पहुंचना, ठीक है? पीठ, पीठ थपथपाना, है ना? शाबाशी देना. तो इस तरीके से आपको ये जो है, फिर आंख से आपका और भी बन सकता है. आंख लगना मैंने आपको बताया, आंख लगना भी है आंख से, है ना? एक तो आंख खुलना है, एक आंख लगना है. आंख लगना मतलब होता है नींद आना, है ना? थोड़ी सी देर के लिए आंख लग गई, जैसा बोलते हैं हम लोग, तो आंख कहीं पर लगती नहीं है जाती, उसका मीनिंग क्या होता है? नींद आ जाना, है ना? झपके आना जिसको होते हैं हम लोग हिंदी में. फिर आंख दिखाना, उसका मीनिंग होता है गुस्सा करना. फिर आंखों में चमक आना, आश्चर्य होता है तभी हमारी आंखों में चमक आती है, या फिर बहुत खुशी होती है तब हमारी आंखों में चमक आती है, ठीक है? तो ये इसमें मुहावरा है और उसका अर्थ है. तो ये इस तरीके से प्रयोग नहीं आता है एग्जाम में, खाली शरीर के अंगों से कनेक्टेड जो है मुहावरे हैं उनका उनका अर्थ लिखने के लिए आता है, ठीक है ना? मुहावरा आपको दिया हुआ, खाली शब्द दिए रहेंगे जैसे आंख, दांत, गला, ऐसे उससे आपको मुहावरा तैयार करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये करना है. आ गया समझ में? फिर है विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करना है. विशेषण हम लोग काफी डिटेल में इसके अंदर पढ़ चुके हैं कि उसके जो है हमने प्रकार भी पढ़ लिए हैं बहुत सारे, ठीक है ना? तो उसमें संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, ठीक है ना? तो उससे विशेषण का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है. ये सब विशेषण है, जैसे एक, है ना? प्रजावत्सल,
ठीक है, फिर बड़ा है ना, मेरा घर बड़ा है, फिर राजा बहुत बड़े मसल थे, फिर होनहार, इसके मीनिंग नहीं लिखने के होते हैं, खाली आपको वाक्य बनाने के लिए आते हैं। टू मार्क्स एक बार टेस्ट में भी दिए मैंने शायद, है ना। होनहार मोहन होनहार लड़का है, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ऐसा नहीं, मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल आपको बना के बताए हैं, 600 इसलिए, ठीक है ना। फिर थोड़ा तो आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी ना इसके अंदर। फिर कोयल की आवाज मीठी होती है, मीठी है ना। फिर मेहनती, दादा मेहनती लड़की है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। फिर 11th एक्सरसाइज देखो, नीचे देखिए वर्णों से शुरू होने वाले तीन तीन शब्द लिखना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वर्णों से शुरू होने वाले तीन तीन शब्द या पांच पांच भी आते हैं आपको, जैसे त, अब त में आपको कुछ भी लिख सकते हो, ये तो थर्ड से शुरू होता है, अल्फाबेट सब से शुरू हो जाता है ये सब कुछ, तरबूज सलवार तपेली कोई भी मात्रा लगा के लिख सकते हो, कैसा भी लिख सकते हो। फर्स्ट जो है वो आपका आधी मात्रा का ई का, बड़ी ई का, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। नल नगर नदी है ना, भगत भगवान भजन, षटकोण छटपट छठ, फिर प्रश्न प्रकार प्राणी है ना, त्रिनेत्र त्रिभुवन त्रिकोण, फिर ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानवान, क्षत्रिय क्षमा क्षय, ठीक है। फिर ये संयुक्त अक्षर है, इसमें आपको जो कौन सा संयुक्त अक्षर बनता है उसमें आपको उसको रेखांकित करना है। जैसे विद्यालय तो द ध से मिलके बना है, तो द्या जो है उसमें आपको अंडरलाइन करना है। चक्र क्र है, फिर राष्ट्रीय, फिर ब्राह्मण ह, फिर द्वार द्वा, और शुद्ध दुद्ध का है उद्देश्य और अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छा प्रवृत्ति में देखो, नीचे एक्टिविटी में आपको खेती के काम में आपको चार औजार यहाँ पे आपको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो तो आपको क्या क्या करना है वो मैं आप इसमें देखती हूँ। आपको कुदाली बनानी है, तो फावड़ा हल और हसिया जिसको दातांडा बोलते हो है ना, जिससे फसल काटते हैं वो बना देना है, हल बनाना है, फिर फावड़ा जिसे ये समेटते हैं मिट्टी और तगारे भरते हैं, ठीक है, और कुदाली मतलब जिसे खोदते हैं मिट्टी, आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। तो यहाँ हमारा जो है सेकेंड वीडियो जो है इसकी खत्म होती है और एट चैप्टर भी ओवर होता है, ठीक है ना। और हम जो है अगली बार तो आप लोग मंडे से आने वाले हो स्कूल में, तो फिर क्लास में मिलेंगे, ठीक है, बाय।